जी मैम, चंद्रयान दो के हमारे तीन कंपोनेंट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर जो है अपना कार्य अभी तक कर रहा है, तो इस मिशन में हम उसी ऑर्बिटर की सहायता ले रहे हैं और लैंडर और रोवर जो है वो सतह पे उतरेंगे। वंस वी हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग, जब एक बारी सफलता से हम सेफली लैंड कर जाएंगे तो रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकलकर सतह की मैप करेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि चंद्रमा की सतह ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए कितनी इक्विप्ड है। क्या वहां पर पानी की संभावना है, तो हमने पहले भी पता कर ली थी, पर क्या वो पानी पीने योग्य है, लाइफ सस्टेनिंग है? उसके अलावा क्या गैसें वहां पर उपलब्ध है, क्या खनिज पदार्थ वहां उपलब्ध है? इन सभी डाटा के साथ साथ इस बात की भी पुष्टि करेगा कि चंद्रमा पे होने वाली एक्टिविटीज है, क्वेक्स है, आंधी है, तूफान है, उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है या वो किस तरह से हमारे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं या नहीं। तो ये सारी जानकारियों का एक अधिकार भारत के पास होगा, क्योंकि इस सतह पे भारत से पहले किसी देश ने उतरने की कोशिश नहीं करी है। जी बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे करीबी पड़ोसी है, सबसे ज्यादा क्लोज है हमारे, तो एक तरह से हमें ये अनुसंधान करने का एक मौका देता है कि हम चंद्रमा के ऊपर ऑब्जर्वेशन करें और फिर आगे की प्लैनेट की स्टडी करें। तो ये हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा आउटर स्पेस में एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए कि इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जहां पर लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स अवेलेबल है, या अर्थ के अलावा कौन से प्लैनेट्स जो है लाइफ सपोर्ट करते हैं। तो इन सभी चीजों को हम पुष्टि करेंगे, इन सभी चीजों की जानकारी चंद्रयान 3 की मदद करेगी हमें इन जानने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने पहला चरण क्रॉस कर लिया है। पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि रॉकेट का हमारी एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकला, अर्थ की कक्षा से बाहर, पृथ्वी की कक्षा को से बाहर जाना, ये सबसे बड़ा प्रोसेस होता है और उसके बाकी के जो प्रोसेस होते हैं वो उसके साथ फॉलो अप होते हैं। तो हमने एक चरण तो सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया है, अब 23 अगस्त का इंतजार है जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, और एक बार जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो फिर रोवर अपना कार्य शुरू करेगा। जो पिछली बार नहीं हो पाया था वो इस बार पूरी तरह से हो पाएगा। Thank you.